मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए पोलिंग बूथ पर सितारों का मेला, मशहूर अभिनेत्री रेखा ने किया वोट। मुंबई के माउंट मैरी में जोया अख्तर भी पहुंची वोट देने, लोगों से की वोट देने की अपील। मुंबई के बूथ नंबर 227 पर आई टीना अंबानी, कहा मुंबई का विकास सबसे अहम मुद्दा। सुबह सुबह वोट डालने वालों में पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल, हर मुंबईकर से की वोट देने की अपील। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया मतदान, संघ मुख्यालय से पैदल आए मतदान केंद्र। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी मुखिया शरद पवार भी आए बूथ पर, मताधिकार का किया इस्तेमाल। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी नेता शायना एनसी ने डाला वोट, पार्टी की जीत की जताई उम्मीद। बीएमसी के साथ ठाणे, पुणे, नासिक समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए भी होगा मतदान, 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। बीएमसी के लिए वोटिंग के दौरान कुछ बूथों पर ईवीएम मशीन खराब, लोगों को करना पड़ा इंतजार। एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख ने भी किया मतदान, कहा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं मुंबईकर। मुंबई के बॉम्बे हाउस में वोट देने आए एन चंद्रशेखरन, टाटा समूह के नए मुखिया। बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता ने भी किया वोट, लोगों से अपील, घरों से बाहर आकर डाले वोट। मुंबई के बड़े बिजनेसमैन निरंजन हीरानंदानी ने भी सुबह सुबह किया मतदान, कहा वोट देना सबकी जिम्मेदारी। मुंबई में महानगर पालिका चुनाव में बुजुर्गों का दिखा उत्साह, सुबह सुबह पहुंचे बूथ पर। यूपी के सियासी समर में आज इलाहाबाद में महासंग्राम, राहुल अखिलेश और अमित शाह करेंगे रोड शो। इलाहाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा रोड शो, दोपहर करीब 1 बजे आनंद भवन से शुरू होकर सिविल लाइंस रेलवे स्टेशन होते हुए गोल पार्क तक जाएगा। इलाहाबाद में रोड शो से पहले राहुल गांधी रायबरेली में आज करेंगे रैली, सुबह 11:30 बजे जनता से होंगे मुखातिब। इलाहाबाद में आज अमित शाह की रैली के बाद अल्लाहपुर में करेंगे रोड शो, दोपहर 12 बजे पानी की टंकी से होगी रोड शो की शुरुआत, शाम को जाएंगे वाराणसी। प्रतापगढ़ में आज सीएम अखिलेश यादव करेंगे सभा, सुबह 10:30 बजे रैली में पहुंचेंगे। आज रायबरेली में रोड शो करेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बाद में सोलन में करेंगे रैली, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज होगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली, शाम 6:30 बजे तय है रैली का वक्त। प्रतापगढ़ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रैली, पट्टी विधानसभा क्षेत्र में होगी सभा। सीएम अखिलेश और पत्नी सांसद डिंपल यादव रानीगंज में करेंगे रैली आज शाम। चौथे चरण में यूपी के 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और बुंदेलखंड की तमाम चर्चित सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री गुजरात सरकार के गधों के विज्ञापन पर अखिलेश की अमिताभ को सलाह, कहा गधों का प्रचार बंद करें महानायक, अमिताभ गुजरात पर्यटन के हैं एम्बेसडर। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की टिप्पणी, हार के खौफ से बौखला गए हैं अखिलेश, गुजरातियों के साथ महानायक अमिताभ का भी अपमान। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर मुर्दों की राजनीति करने का आरोप लगाया, कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान का दिया हवाला। सुब्रमण्यम स्वामी ने एयरसेल मैक्सिस डील में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को बताया मुख्य आरोपी, कार्रवाई की मांग की। कार्ति चिदम्बरम ने सुब्रमण्यम के आरोपों को किया खारिज, बोले साख खराब करने के लिए लगाए जा रहे अनर्गल आरोप। पश्चिम बंगाल से जनवरी में जियारत के लिए इराक गए 2 लड़कों के आईएसआई से शामिल होने की खबर, ग्रुप का साथ छोड़कर हुए लापता। इराकी दूतावास ने दोनों लड़कों के आईएसआई से जुड़ने पर लगाई मोहर, साथ ही मुंबई के रहने वाले टूर ऑपरेटर अब्दुल करीम का जब्त किया पासपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कैरी सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, बीएसएफ ने किया एक आतंकी को ढेर।
समस्तीपुर में पटना एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, 8 क्विंटल गांजा जब्त। तस्करों ने ट्रक के अंदर तहखाने में छिपाकर रखा था गांजा, तस्कर सरगना समेत 6 गिरफ्तार। अलवर में आखिरकार पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, जयपुर चिड़ियाघर ले जाने की तैयारी। तीन दिन पहले भी पकड़ा गया था एक तेंदुआ, वन विभाग का दावा इस बार असली किलर शिकंजे में। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 5 और 9 साल की 2 मासूम बच्चियों से बलात्कार, मासूमों को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गए थे आरोपी। रोहिणी में मासूमों से रेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, एक बालिग दूसरा नाबालिग। बैंगलोर के बेलंदूर में एक नर्सरी स्कूल में 3.5 साल के मासूम का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने आरोपी और प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सीलमपुर इलाके से भारी मात्रा में देसी पिस्तौल बरामद की, मोहम्मद अरशद नाम का शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने शादियों में चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का किया पर्दाफाश, गिरफ्त में आए चोरों ने दर्जनों चोरियों का किया कबूलनामा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसा छोटा विमान, क्रैश के बाद हुए धमाके में मची अफरा तफरी। कश्मीर में आतंकवाद पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का कबूलनामा, बोले आतंकियों को अपने नियंत्रण में रखा था। ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 5 पाउंड के नए नोट में पशु की चर्बी के इस्तेमाल पर हिंदू संगठनों को दिया भरोसा, विचार विमर्श के बाद ही जारी होगा नोट। नाजी तानाशाह, हिटलर का टेलीफोन, $2,40,000 में नीलाम, हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में इसी टेलीफोन के जरिए जारी किए थे कई फरमान।